तेरा क्या होगा कालिया? बच गया साला। एल्विश भाई के आगे कोई बोल सकता है क्या? एल्विश भाई। दोस्तों, अगर आप लोगों ने गुल्ली बुली और जॉम्बी बस हॉरर स्टोरी का पार्ट 1 अभी तक नहीं देखा है तो पहले आप उसे जाकर देख लीजिए, वरना आपको ये स्टोरी पूरे तरीके समझ में नहीं आएगी। लिंक डिस्क्रिप्शन में है और ऊपर आई बटन में भी है। दोस्तों, आप लोगों ने पिछले वीडियो में देखा था कि गुल्ली बुली सॉन तीनों गोवा घूमने के लिए बस से जा रहे होते हैं और रास्ते में ही बस में आग लग जाती है, जिसके कारण गुल्ली बुली सॉन बस से निकलकर भागने लगते हैं। लेकिन रास्ते में ही उन्हें भेड़िया से सामना हो जाता है, जिससे बचकर वो लोग एक जॉम्बी भरे बस के अंदर चले जाते हैं। और अब आगे देखिए। भाई यहाँ पे क्या हो रहा है? भाई यहाँ पे क्या हो रहा? भाई ये कहाँ फंस गया भाई मैं? गुल्ली बोलता है, सॉन तुम रो मत, बस इन लोगों को शक नहीं होना चाहिए कि हम लोग जॉम्बी नहीं है, क्योंकि अगर इन लोगों को पता चल गया कि हम लोग इंसान है तो ये हम लोगों को मार डालेंगे। बुल्ली बोलता है, हम लोगों को जॉम्बी बनने का नाटक करना पड़ेगा, जितनी पागल जैसी हरकत कर सकते हो उतनी पागल जैसी हरकत करो। सॉन बोलता है, तो देखो मेरा कमाल। अरे ये क्या, सॉन ने तो एक जॉम्बी को एक लात मार कर बस के बाहर ही फेंक दिया है। ये देखकर सारे जॉम्बीज खुश हो जाते हैं और बस में जोर जोर से चिल्लाने लगते हैं। तभी उसमें से एक जॉम्बी उठता है और बोलता है, अब ये बस खाई में गिरने वाली है, सारे लोग मरने के लिए तैयार हो जाओ। ये सुनकर सॉन गुल्ली बुल्ली के पास जाता है। सॉन बोलता है, गुल्ली बुल्ली ये बस थोड़ी देर में खाई में गिरने वाली है, हमें कुछ जल्द ही करना होगा। गुल्ली बोलता है, बाबा को फोन लगाओ, अब वही हमारी मदद कर सकते हैं। सॉन जल्दी से बाबा को कॉल लगाता है, लेकिन बाबा तो कॉल उठा ही नहीं रहे। सॉन बोलता है, बाबा मेरा कॉल नहीं उठा रहे हैं, अब हमें कुछ करना होगा। गुल्ली बोलता है, तो करना ही क्या है, जल्दी से उस बस ड्राइवर को रोको। और फिर बुल्ली उस बस ड्राइवर के पास दौड़ कर जाने की कोशिश करता है, लेकिन उसमें से एक जॉम्बीज बुल्ली को अपना पैर फंसा कर गिरा देता है। और फिर उसमें से एक जॉम्बीज बोलता है, मैं तुम्हें कब से देख रहा हूँ, तुम हमारे जैसे जॉम्बीज तो नहीं लग रहे, बताओ तुम कौन हो। और इधर सॉन खिड़की से बाहर कूदने की तो कोशिश कर रहा है, तभी उसमें से एक जॉम्बीज बोलता, रुको अभी मैं इसे बताता हूँ। गुल्ली बोलता है, सॉन के साथ तुम ऐसा मत करो वरना वो मर जाएगा, तुम लोग जो बोलोगे वही होगा। और फिर सॉन खिड़की में से मुंह अंदर करता है, लेकिन सॉन के साथ तो बहुत ही बुरा हुआ। और फिर वो जॉम्बीज बुल्ली को लातों से मारने लगता है। ये देखकर गुल्ली का दिमाग झन आ जाता है, और फिर क्या था, गुल्ली भी शुरू हो जाता है। गुल्ली ने तो इस जॉम्बीज को बस से ही बाहर फेंक दिया। ये देखकर सारे जॉम्बीज गुल्ली की तरफ बढ़ने लगते हैं। और अब गुल्ली बुल्ली क्या करेंगे, इन सारे जॉम्बीजों ने तो गुल्ली बुल्ली सॉन को रस्सियों से बांध दिया है। तुम लोग को अपने हाथों से मारने से अच्छा है कि तुम लोग हमारे साथ ही खाई में गिरो, क्योंकि ये बस थोड़ी ही देर में खाई में गिरने वाली है। और इतना बोलकर सारे जॉम्बीज हंसने लगते हैं। और ये बस भी अपने पूरी रफ्तार में खाई की तरफ बढ़ रही है। गुल्ली बोलता है, मरने के सिवाय हम लोग के पास कोई चारा नहीं है। तभी सॉन चिल्लाकर बोलता है, बाबा मैं आपका नर्क में इंतजार करूंगा। लेकिन तभी जॉम्बी ड्राइवर बस को रोक देता है। तभी उसमें से एक जॉम्बी बोलता है, बस को क्यों रोका, बस को सीधे खाई में जाने दो। बस के आगे एक बुढ़ा खड़ा है और वो सामने से हट ही नहीं रहा। गुल्ली बोलता है, वो बुढ़ा कहीं बाबा तो नहीं? बुल्ली बोलता, मुझे पहले ही पता था कि बाबा हमें बचाने जरूर आएंगे। अब तुम लोग में से किसी की खैर नहीं। बुल्ली की बात सुनकर जॉम्बी बोलता है, जो कोई भी हो उड़ा दो उसे। और फिर ड्राइवर बस को स्टार्ट कर बाबा की तरफ बढ़ा देता है। तेरा क्या होगा कालिया?
बच गया साला। और फिर क्या था, बाबा उस बस की तरफ दौड़ लगा देते हैं। बुल्ली बुली सोन को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा होता है कि आखिरकार बाबा क्या कर रहे हैं। जॉम्बी बोलता है तुम लोग मरने के लिए तैयार हो जाओ और ये बस थोड़ी देर में खाई में गिरने वाली है। और इधर सारे जॉम्बी इस बस को खाई में गिरने का खुशी मना रहे हैं। अरे एल्विश भाई क्या ये कोई बोल सकता है क्या? एल्विश भाई। और फिर ये बस खाई में गिर जाती है। अरे ये क्या, बस को आखिरकार किसने रोक लिया है? अरे ये तो हमारे प्यारे बावल लंगोटी लाल है। सारे जॉम्बीज खिड़की से बाहर की ओर देखने लगते हैं। और इधर बाबा बस को धीरे धीरे खाई से पीछे खींच रहे हैं। तभी उसमें से एक जॉम्बीज बोलता हूँ, देखता हूँ इस बस को नीचे गिरने में क्या दिक्कत आ रही है। और फिर वो बस से उतरता है और पीछे देखने के लिए चला जाता है। मैं बस को नीचे नहीं गिरने दूंगा मैं। अच्छा ठीक है, समझ गया। किस मिट्टी के बने हो तुम, तुम्हें दर्द नहीं होता? जो मर्द होता है उसे दर्द नहीं होता। तो रुको जरा, सबर करो। अच्छा और फिर क्या था, बाबा उस जॉम्बीज को घसीट घसीट कर मारने लगते हैं। तभी उसमें से एक जॉम्बीज ये सब सारा नजारा अंदर से देख रहा होता है। अरे दोस्तों, एक बुड्ढा हमारे दोस्त को मार रहा है, चलो सबको उसे बचाने। और फिर सारे जॉम्बीज बाबा से लड़ने के लिए चले जाते हैं। और इधर गुल्ली बोलता है हमारे बाबा हमारे लिए अकेले इन सभी से लड़ रहे हैं, हमें भी बाबा का साथ देने के लिए बाहर चलना चाहिए। और फिर गुल्ली बुल्ली सोन भी ये तीनों बाबा का साथ देने के लिए बाहर आ जाते हैं। हट बे, कोने में तू हट। मेरी बहन की छोटल, इसकी अपने बहनों बहन की। और अब इन सभी जॉम्बीसों का खेल खत्म हो चुका है। गुल्ली बोलता बाबा मुझे लगा कि आप सही समय पे नहीं आ पाएंगे, और अगर आप सही समय पे नहीं आते तो हम लोग भी इस बस के साथ खाई में गिर जाते। बाबा बोलते ऐसा कभी हो सकता है भला, तुम बुलाओ और मैं नहीं आऊं। सोन बोलता बाबा आप एक बार में हमारा कॉल उठा लिया करिए, पता है आपके कारण हम कितने परेशान हो चुके थे, अभी हम लोग मरते मरते बचे हैं। बाबा बोलते क्या करेंगे सोन, मुकेश अंबानी ने इतना रिचार्ज क्रेडिट बढ़ा दिया है। जो आप लोग इस वीडियो को इतना शेयर करिए कि ये वीडियो मुकेश अंबानी के पास चला जाए। मैं मुकेश अंबानी के सामने हाथ जोड़कर विनती करता हूँ, बताइए ये गरीब आदमी कहाँ जाएगा। तो दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करिए, और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तब तक के लिए बाय बाय।